हेलो एंड वेलकम बैक टू डीम कार डिलाइट गाइस। सो ये है मारुति सुजुकी स्विफ्ट BS6 फेज 2 का बेस मॉडल विच इज़ LXI मॉडल। यहाँ पे कई फीचर्स ऐड करे गए हैं, अब आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिल जाता है। इवन इसके अलावा दोस्तों बेस मॉडल में हम बहुत कुछ यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी कि एसेसरीज काफ़ी सारी हम इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो उन एसेसरीज के बारे में भी बात करेंगे, इधर बैकग्राउंड भी हम शेयर करेंगे, ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बताऊंगा। इस मॉडल के ऑन रोड प्राइस में मार्केट में और कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है सेम प्राइस में, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो बहुत ही डिटेल्ड ये रहेगा वॉक अराउंड। तो चैनल को सब्सक्राइब के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे दोस्तों, एंड इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो ये है LXI मॉडल की फ्रंट लुक, सिल्वर कलर अभी आप देख रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा लगता है। सिल्वर के अलावा वाइट कलर, रेड कलर अवेलेबल है, देन यहाँ पे आपको ग्रे कलर मिल जाता है। तो मल्टीपल चॉइस ऑफ कलर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे ये है फ्रंट ग्रिल जो कि क्रोम फिनिश के साथ मिलती है। अच्छी बात है कि बेस मॉडल में भी इवन क्रोम फिनिश दी गई है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ऐसे हेडलैम्प अवेलेबल है, नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प दिए गए हैं, हाई बीम लो बीम दोनों ही हेलोजन में। यहाँ पे आप कंप्लीट फिटेड करवा सकते हैं LED हेडलैम्प इंस्टॉल, या फिर आफ्टर मार्केट आप LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प इंस्टॉल करवा सकते हैं। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे 2 साल और 40,000 किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाती है। वारंटी को आप 5 साल तक एक्सटेंड करवा सकते हैं। जो 24/7 रोड साइड असिस्टेंस है उसको आप अलग से परचेज कर सकते हैं। बात करते हैं इंजन ऑप्शन के बारे में, तो ये है इंजन ऑप्शन। सिंगल इंजन ऑप्शन आपको मिलता है 1.2 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, यानी कि टर्बोचार्ज इंजन नहीं है। सबसे अच्छी बात मेरे को इस इंजन की ये लगती है कि रिफाइंड है, माइलेज काफ़ी अच्छी है, पिकअप अच्छी है गाड़ी की, ब्रेक्स ठीक ठाक दी गई है, गियर शिफ्ट स्मूथ है, और सस्पेंशन आपको अच्छा मिल जाता है यहाँ पे। तो पिकअप जो है वो मेन है इस इंजन की, अच्छी दी गई है। इसके अलावा साइलेंट भी है, तो साउंड एंडिंग मटेरियल काफ़ी यूज़ करे गए हैं यहाँ पे, साउंड एंडिंग मटेरियल यूज़ करे गए हैं काफ़ी बढ़िया, फायर वॉल पर यूज़ करे गए हैं। साथ में आप अंडरबॉडी देखेंगे तो कंप्लीट अंडरबॉडी इंजन गार्ड अवेलेबल है। अंडरबॉडी इंजन गार्ड के दोस्तों बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे हम वाटर एक्यूमुलेटेड एरिया में जा रहे हैं, वाटर स्प्लैश से जा रहे हैं, तो इंजन के मेन कंपोनेंट्स तक पानी अंदर एंटर नहीं कर पाता, पहली बात। दूसरी बात ये कि दोस्तों जैसे रैट कैट पिजन होते हैं, छोटे छोटे जो एनिमल होते हैं, जानवर होते हैं, वो अंदर आराम से घुस नहीं सकते और वायरिंग डैमेज नहीं कर सकते, तो ये काफ़ी अच्छे से प्रोटेक्ट वो कर देता है। तो यहाँ पे जो पेट्रोल इंजन है उसमें आपको मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है और AMT गियरबॉक्स मिलता है। अगर आप यहाँ पे CNG लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स अवेलेबल है। ऑल्सो पेट्रोल एंड CNG, नॉर्मल पेट्रोल जो है कंप्लीट पेट्रोल और पेट्रोल प्लस CNG में आपको पावर डिफरेंस भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा, जो कि हर एक CNG कार में होता है। और इसके अलावा दोस्तों ये है साइड प्रोफाइल। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे इंटीरियर पैक और एक्सटीरियर पैक है जो कि आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। इंटीरियर में आप वुडन फिनिश करवा सकते हैं, पियानो ब्लैक फिनिश करवा सकते हैं। एक्सटीरियर जैसे हेडलैम्प के पास यहाँ पे आप पियानो ब्लैक फिनिश या क्रोम इंस्टॉल करवा सकते हैं। तो देर आर लॉट ऑफ पैकेजेस जो कि आप यहाँ पे इंस्टॉल करवा सकते हैं शोरूम एंड से या फिर आफ्टर मार्केट से। सो ये आप देख सकते हैं, ये है साइड प्रोफाइल। तो यहाँ पे जो आपको स्टील व्हील मिलते हैं, नॉर्मल स्टील व्हील, आप चाहें तो यहाँ पे अलॉय व्हील स्टॉप एंड मॉडल की तरह इंस्टॉल करवा सकते हैं 15 इंचेस के। फिलहाल यहाँ पे आपको मिलते हैं 14 इंच के टायर्स। तो ये है 165/80 R14। और यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेगा फ्रंट फेंडर पे। यहाँ पे ब्लैक कलर का ORVM दिया गया है और ये मैनुअली एडजस्टेबल है, यानी कि इसे खोलना भी आपको मैनुअली पड़ेगा और एडजस्ट भी शीशा खोल के आपको मैनुअली ही करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि टॉप एंड मॉडल की तरह आपको ऑटो फोल्डिंग ORVM मिले, जिसमें यहाँ पे टर्न इंडिकेटर मिले, ऑटो फोल्डिंग फंक्शन हो, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल हो, तो वो दोस्तों आपको 7,500 में मिल जाता है, तो वो आप करवा सकते हैं। यहाँ पे डोर हैंडल बाद में पेंट हो जाते हैं। अगर आप ये ORVM नहीं करवाना चाहते तो डोर हैंडल और ये दोनों चीज़ें जो है दोस्तों बाद में पेंट हो जाती है 1500 में शोरूम एंड से, तो वो आप करवा सकते हैं। और यहाँ पे नॉर्मल माइक्रो रूफ एंटीना अवेलेबल है, आप शार्क फिन एंटीना करवा सकते हैं बाद में इंस्टॉल। और रियर में यहाँ पे स्पॉइलर नहीं दिया गया, तो आप चाहें तो यहाँ पे स्पॉइलर भी बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं बॉडी कलर में पिलर दिए गए हैं, चाहे वो ए पिलर हो, चाहे वो बी पिलर हो, चाहे वो ये सब हो, बट ये सब आप यहाँ पे ब्लैक टेपिंग जो है वो बाद में हो जाती है, तो वो आप करवा सकते हैं, तो आपका एक अपर मॉडल वाला लुक आपको मिल जाता है। तो ये सब आराम से दोस्तों हो जाएगा लगभग 1300-1400 रुपये में, कम्प्लीट इस साइड का भी उस साइड का भी। और ये है रियर लुक। और यहाँ पे 165 mm की आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 37 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिलता है। बाकी स्पेसिफिकेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कम्प्लीट डायमेंशन कंपेरिजन साथ में कर वेट कंपैरिजन, तो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा इस फिगर से कि आपको कौन सी कार परचेज करनी चाहिए, सबका आपको एग्जैक्ट हमने बता दिया। तो ये है रियर लुक, और रियर लुक बहुत ही स्पोर्टी है फ्रंट के कंपैरिजन में।
तो यहाँ पे रियर में वाइपर और डिफॉगर आपको नहीं मिलता, लेकिन वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों, 12,000 में इंस्टॉल हो जाते हैं कंप्लीट। और यहाँ पे एलईडी टेल लैंप अवेलेबल है दोस्तों, यहाँ पे स्विफ्ट की बैजिंग। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि रियर स्पॉइलर तो आप ज़रूर इंस्टॉल करवा लें, बिकॉज उससे जो गाड़ी की लुक है वो बिल्कुल नेक्स्ट लेवल ही आ जाती है। यहाँ पे रियर में 4 सेंसर्स अवेलेबल हैं। लाइसेंस प्लेट की आप लाइट देखेंगे तो वो हेलोजन में दी गई है। और अगर हमें टेलगेट को ओपन करना है तो यहाँ पे कोई चाबी लगाने के लिए नहीं है, ना ही कोई बटन प्रेस करने के लिए है, तो हमें आगे से ओपन करना पड़ेगा। तो हम आगे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं, तो इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल है, यहाँ पे एक और ग्रैब हैंडल है, ये है टोटल बूट स्पेस। बूट स्पेस कंपैरिजन भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, कौन सी गाड़ी में कितना बूट स्पेस मिलता है। तो यहाँ पे चाइल्ड आइसोफिक्स माउंट्स दिए गए हैं। इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे एक हुक अवेलेबल है, ग्रॉसरी हुक। लैंप आपको नहीं मिलता लेकिन 250 रुपये में वो भी आप इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे ये है टूल किट। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों तो ये स्पेयर टायर मिल जाएगा आपको, 14 इंच का 165/80 सेक्शन टायर। और इसको यहाँ से डाउन कर देते हैं, इसको अच्छे से रख देते हैं। तो ये टोटल बूट स्पेस है। और अगर हम बात करें ऑन रोड प्राइस कंपैरिजन के बारे में, यानी कि इस मॉडल के ऑन रोड प्राइस में मार्केट में उसी प्राइस में और कौन कौन सी गाड़ियां अवेलेबल है, तो वो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी गाड़ी की सर्विस कॉस्ट चेक करनी है इसकी, या फिर किसी भी गाड़ी की, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, तो वो सब हमारी वेबसाइट के ऊपर लिस्टेड है। 10 साल तक की सर्विस कॉस्ट आपको मिल जाएगी। गूगल पे सिंपली जाके लिखिए टीम कार डिलाइट, फर्स्ट लिंक हमारी वेबसाइट का आएगा, आप ओपन करें एंड यू कैन चेक, या फिर आप teamcardelight.com सिर्फ अपने ब्राउजर में लिख सकते हैं। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको ABS विद EBD मिल जाता है, देन यहाँ पे डुअल फ्रंट एयरबैग अवेलेबल है, अब आपको यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल जाएगा। सो काफ़ी सारे सेफ्टी फीचर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं। अब चेक करते हैं इंटीरियर्स। तो अब चेक करते हैं गाइस कैबिन। तो सबसे पहले कुछ ऐसी आपको कीज़ मिलती है, नॉर्मल स्टैंडर्ड कीज़ यहाँ पे दी गई है। तो सेंट्रल लॉकिंग देखते हैं या फिर नहीं है, तो ये लॉक हो गया बट ये लॉक नहीं हुआ। सो सेंट्रल लॉकिंग गाइस आपको यहाँ पे नहीं मिलती, तो सेंट्रल लॉकिंग आपको इंस्टॉल करवानी पड़ेगी, जो कि बहुत जल्दी हो जाती है इंस्टॉल। सेंट्रल लॉकिंग के साथ यहाँ पे आप नॉर्मल की जगह रिमोट की भी इंस्टॉल करवा सकते हैं आफ्टर मार्केट शोरूम कहीं से भी आप चाहें। और ये है डैशबोर्ड की लुक। ऑल ब्लैक इंटीरियर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे। यहाँ पे फॉक्स जैसे होता है कार्बन फाइबर लाइक फिनिश वो दी गई है। तो इंटीरियर में डिफरेंट पैक अवेलेबल है जो कि आपको यहाँ पे कवर दे देते हैं यहाँ पे, तो वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा ये है फ्रंट डोर के लुक। स्पीकर की स्पेस आपको मिलती है, बॉटल होल्डर, डोर पॉकेट, आर्मरेस्ट, फ्रंट में पावर विंडो, रियर में पावर विंडो इंस्टॉल हो जाती है। ब्लैक कलर का यहाँ पे इनसाइड डोर हैंडल दिया गया, ये भी क्रोम फिनिश में लग जाता है, कंप्लीट सेट आता है इसका। और फ्रंट में ट्वेटर्स अवेलेबल नहीं है लेकिन आप बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं। लोकल आप करवाएंगे तो 300 से 500 में हो जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के 1,000 में हो जाएंगे। शोरूम एंड वाले करवाएंगे आप यानी कि कंपनी फिटेड, तो वो 1,500 में हो जाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल स्विच आपको मिलता है, ऑन ऑफ कर सकते हैं यहाँ पे आप ट्रैक्शन कंट्रोल। साथ में यहाँ पे हेडलैम्प लेवलर है, दोनों ही एल्यूमिनेटेड है यानी कि पीछे लाइट है बैकलाइट, तो रात में आराम से आप इस स्विचेस को देख सकते हैं। साथ में क्लच फुटरेस्ट दिया गया है। और यहाँ पे यहाँ से हम बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से हम फ्यूल लिड। यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं दिया गया, तो ये फिक्स्ड ही सीट है, हाइट आप एडजस्ट नहीं कर सकते इस मॉडल में। फ्रंट सीट्स में आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलेगी, डुअल टोन फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री है। सीट्स काफ़ी अच्छी है फ्रंट वाली, बहुत ही कंफर्टेबल है। अब अंदर चलते हैं। तो अगर कोई 6 फीट का भी है तो उसके लिए भी फ्रंट सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल रहती है। इसी के साथ दोस्तों यहाँ पे एक बॉटल होल्डर स्पेस है, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया मिलेगा। We have got this over here. So ये है इन्वॉल्व की मस्क परफ्यूम। दिस वॉज माई फर्स्ट कार परफ्यूम जो कि अराउंड 3-4 years मैंने पहले परचेज करी थी। एंड इसकी जो फ्रेगनेंस है दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, बहुत ही मैनली, बहुत ही ज़्यादा इसकी जैसे स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस है वो मिल जाती है। तो आप यहाँ पे काफ़ी ख़राब मूड से कार में अंदर एंटर करे होंगे, देन दिस परफ्यूम विल रिफ्रेश योर मूड। यहाँ पे ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी दी गई है, कोई ये लीक भी नहीं होती परफ्यूम, यहाँ से फ्लो एडजस्ट कर सकते हैं ज़्यादा का, आराम से 30-40 days चल जाती है। सो अभी कभी involvesenses.com पे विजिट करें, बाय दिस परफ्यूम, इट इज़ वर्थ इट। VXI मॉडल से यहाँ पे क्रोम फिनिश आती है, यहाँ पे ब्लैक फिनिश दी गई है इस मॉडल में। और नॉर्मल ब्लैक कलर की गियर नॉब है, सेंसर्स का नॉर्मल बीप बीप आपको सुनाई देगा।
यहाँ पे आप चाहें तो लेदर ऐप गियर नॉब या पियानो ब्लैक फिनिश वाली गियर नॉब जो कि टॉप एंड मॉडल में अभी सही मॉडल में आती है वो आप इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों 1200 में। यहाँ पे आपको दो आगे का फुल डोर स्पेस मिलती है, यहाँ पे कुछ और स्टोरेज एरिया, वायरलेस चार्जर आप लगवा सकते हैं बाद में, 12 वोल्ट का पावर सॉकेट और USB के लिए एक स्पेस दिया गया, तो इंफोटेनमेंट सिस्टम आप लगवाएंगे तो USB आप यहाँ पर लगवा सकते हैं। मैनुअल AC है, इवन आप चाहे तो ऑटोमेटिक AC का पूरा जो कंसोल है वो इंस्टॉल हो जाता है, तो पूरा ये जो है रिप्लेस हो जाता है और यहाँ पे ऑटोमेटिक AC का जो कंसोल है वो टॉप एंड मॉडल की तरह या जिस भी मॉडल में आता है वैसा सेम इंस्टॉल हो जाता है। उसकी कॉस्ट है दोस्तों 20,000 रुपये। कोई इंफोटेनमेंट सिस्टम अवेलेबल नहीं है, आप रियर कैमरा के साथ यहाँ पे एंड्रॉयड सिस्टम इंस्टॉल करवा सकते हैं। एंड्रॉयड ही इंस्टॉल करवाना गाइज, और कोई मत करवाना सिस्टम, बाकी सब इतना वर्थ वैल नहीं रहता। एंड्रॉयड में आप यहाँ पे USB ब्लूटूथ सब यूज़ कर सकते हैं, साथ में आपको हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, गूगल, अगर आपके घर पे CCTV कैमरा है, ऑफिस में CCTV है तो वो यहाँ पे प्ले कर सकते हैं, आप अपने Gmail यूज़ कर सकते हैं, कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, तो पूरा एंड्रॉयड सिस्टम की तरह ही वो वर्क करता है, तो वो आप ज़रूर इंस्टॉल करवाएं। उसकी कॉस्ट है 1500। और ये है ग्लव बॉक्स, साथ में यहाँ पे आप देखेंगे तो वैनिटी मिरर नहीं दिया गया इस मॉडल में, यहाँ पे नॉर्मल IRVM है, डे एंड नाइट नहीं है, तो यहाँ पे वो नहीं दिया गया स्विच करने के लिए। चाहे तो आप ऑटो डिमिंग IRVM बाद में इंस्टॉल करवा सकते हैं दोस्तों, 4000 में शोरूम एंड से बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैबिन लैम्प हेलोजन में, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता। और ये है स्टीयरिंग व्हील की लुक, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील दिया गया है, लेदर ऐप बाद में हो जाएगा, 1500 से 2000 में हो जाएगा नॉर्मल वाला करवाते हैं, और यहाँ पे 2000 से 3000 में हो जाएगा अगर आप इटालियन लेदर अच्छी क्वालिटी का इंस्टॉल करवाते हैं, तो बिल्कुल जैसे टॉप एंड मॉडल की तरह आपको लुक मिलती है वैसे ही इंस्टॉल होता है, पूरा ये स्टीयरिंग व्हील रिमूव होता है। साथ में आप देख सकते हैं कोई भी कंट्रोल नहीं है स्टीयरिंग व्हील पे, तो ऑडियो कंट्रोल, ब्लूटूथ कॉलिंग कंट्रोल सब इंस्टॉल हो जाता है गाइस, वो भी बैकलाइट यानी कि एल्यूमिनेशन के साथ। टिल्ट एडजस्टमेंट है, टेलीस्कोपिक नहीं दी गई, होता तो क्रूज़ कंट्रोल भी इंस्टॉल है लेकिन मैं वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। और यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आपको हेडलैम्प कंट्रोल्स मिलेंगे, कुछ ऐसा आपको क्लस्टर मिलता है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पीडोमीटर है, RPM मीटर नहीं है इस मॉडल में, तो टेकोमीटर नहीं मिलेगा। साथ में यहाँ पे डेट डिस्प्ले हो जाती है और टोटल किलोमीटर्स ड्रिवन, ट्रिप ए, ट्रिप बी, इस साइड देखते हैं तो यहाँ पे एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, इंस्टेंट फ्यूल कंजम्पशन, डिस्टेंस टू MT सब कुछ यहाँ पे डिस्प्ले होता है, तो मच रिक्वायर्ड आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लाइट ऑन करके यहाँ पे हम ब्राइटनेस भी इंक्रीज एंड डिक्रीज कर सकते हैं ओवरऑल कैबिन की। और अब चेक करते हैं रियर सीट्स, डोर की ओपनिंग बहुत ही ज़्यादा वाइड है यहाँ पे, और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है रियर डोर, स्पीकर की स्पेस, बॉटल होल्डर, पावर विंडो बाद में आप इंस्टॉल करवा सकते हैं, ये भी आप बाद में चेंज करवा सकते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट, तो प्लास्टिक की आर्मरेस्ट देखिए, आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉपर लेदर ऐप आर्मरेस्ट इंस्टॉल करवा सकते हैं, या फिर आप ये पूरा जो डोर का प्लास्टिक वाला होता है ये VXI मॉडल की तरह पूरा का पूरा इंस्टॉल हो जाता है, तो वो भी आप करवा सकते हैं, उसकी कॉस्ट थोड़ी एडिशनल आती है, तो वो भी आप करवा सकते हैं चाहें तो। और ये है रियर सीट्स, दो फिक्स्ड हेडरेस्ट है, सेंटर में आर्मरेस्ट बाद में 5500 में इंस्टॉल हो जाती है। फ्रंट सीट्स के बैक में पॉकेट नहीं है, बट आप सीट कवर लगवाएंगे तो पॉकेट आपको मिल ही जाएगी। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल, यहाँ पे भी ग्रैब हैंडल स्लो रिलीज के साथ। और ये है डैशबोर्ड की लुक दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और अगर आपको ऐसी डिटेल वॉक अराउंड किसी और मॉडल का चाहिए तो बिना रुके फटाफट से जाएं कमेंट सेक्शन में और मेरे को बता दें। आपके कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।